क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा। हाँ, दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे भी जो अंदर एक जरा खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नंबर एक कि मैंने क्या पढ़ा लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि ये मुसलमानों इन जंजलों से, इन आफात से, इन सैलाब से, इन बारिशों से तुम ना घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का किया हुआ है। जहाँ पे जैनब जैसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है उसे मार दिया जाता है, 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती होती है उसे मार दिया जाता है। कल परसों का वाक्य है, 8 साल के बच्चे के साथ ज्यादती उसे मार दिया गया। फिर शावर में जंजर आया उसी दिन। तो नहीं घबराओ इन बातों से। जहाँ पे हजरत उमर फारूक ने जब चिट्ठी पर लिख के उस आदमी को दिया कि तुम जाके जमीन को उस हिस्से पर रखना जहाँ पे तुम्हारा अत्तर गिरा है, जमीन खुद खुद बाहर निकाल देगी। पता है चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था, उस पर्चे पे क्या था? उस पर्चे पर लिखा हुआ था कि तू इसका अत्तर वापस कर दे, नहीं तो इस जगह पे नमाजी को दफन करूंगा। बेनमाजी का सुनकर जमीन ने अत्तर वापस कर दिया। तो सोचे गुनाह कबीरा करने वाले को जमीन कैसा कबूल करती होगी। दूसरी बात कि मैं एक ड्रामा देख रहा था, बच्चों ने लगाया हुआ था, मैंने वो ड्रामा देखा, जियो पे था ड्रामा, कुछ फैमिली का था। तो उसमें मियाँ बीवी के आपस बातचीत होती है, तो जो बेगम होती है वो मियाँ को बोलती है कि आपके वालिद ने आज 5 माह हो गए पेंशन घर में दी, उम्र का टिकट भी आपने करवाया, उनसे पूछे पेंशन किधर गई। ये बात होती है, बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है, बेटा उसके माँ बाप का घर से बाहर निकाल रहा था। तो उस वक्त उनका पोता आता है, उस बूढ़े और उस बूढ़े गुड़िया का पोता आता है, तो पूछता बाबा दादा दादी किधर जा रहे। तो जो औरत थी जिसने ये बात की कि आपके वाले साहब ने पेंशन घर में नहीं दी, उसने बोला कि हम दादा दादी को ओल्ड हाउस भेज दे। उस वक्त बच्चे ने पूछा वो ओल्ड हाउस क्या होता है, तो उसका बाप बच्चे का बाप बोलने लगा कि बेटा ओल्ड हाउस होता है जहाँ पे बूढ़े खुश रहते हैं, दादा दादी तो जाके खुश रहेंगे। तो फिर जो बच्चा था वो मुस्कुरा कर कहने लगा ठीक है दादा दादी आप जाएं, नाराज नहीं होना, जो ना मैं आपसे मिलने आया करूँगा, तो जब मेरे मामा बाबा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इनको भी ओल्ड हाउस छोड़ाऊंगा ताकि इन दूसरे बूढ़ों के साथ खुश रहें। ये जो मैंने जियो पे ड्रामा देखा है ये एक कहानी वाइज होता है, लेकिन ये कुछ सिखाने के लिए होता है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई जो के जियो नहीं देखते या जिनके पास ये एपिसोड नहीं देखी। तो माशरे को सीधा करें, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपने भतीजा और भतीजे से मिलवाऊंगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुदा।